हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और वो टॉपिक हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक अभी देखा जाए तो पीसीआई के सिलेबस से हट चुका है, बट इसका अगर आप इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड है और साथ ही साथ हमारी आने वाली जो ग्रोथ है, मतलब अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे रेसिडुअल सॉल्वेंट की और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आईसीएच ने जो इसकी गाइडलाइन दी है वो क्या गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ ये जो रेसिडुअल सॉल्वेंट्स को लेकर जो गाइडलाइन दी गई है ये हमको कैसे इफेक्ट करती है, ये एनवायरमेंट को कैसे इफेक्ट करती है और साथ ही साथ अगर हम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। तो बात करेंगे हम रेसिडुअल सॉल्वेंट्स की, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं रेसिडुअल सॉल्वेंट की। बेसिकली रेसिडुअल सॉल्वेंट की जो गाइडलाइंस है बेसिकली वो आईसीएच के अंदर जो आती है वो है उसके इंप्यूरिटीज के अंदर, मतलब इंप्यूरिटीज की जो आईसीएच की गाइडलाइन है उसी के अंदर रेसिडुअल सॉल्वेंट की गाइडलाइन आती है, जिसे कहा गया है रेसिडुअल सॉल्वेंट्स गाइडलाइन, इंप्यूरिटीज डैश रेसिडुअल सॉल्वेंट गाइडलाइंस। और साथ ही साथ इस गाइडलाइन का जो कोड है वो है Q3C, फिर से बोलूंगा Q3CR5। और ये गाइडलाइन दी गई आईसीएच के द्वारा, आईसीएच का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ हार्मोनाइजेशन, जो कि यूरोपियन एक कम्युनिटी है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यही हमारे फार्मा से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस होती है उसको प्रोवाइड करवाती हैं। और बेसिकली रेसिडुअल सॉल्वेंट गाइडलाइन जो होती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हम आगे इसके लिए बात भी करेंगे। बट अभी हम बात करेंगे कि ये जो गाइडलाइन है ये किस बेसिस पे दी गई और कब दी गई। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो गाइडलाइन है ये आईसीएच के अंदर आती है, उसकी इंप्यूरिटीज के अंदर आती है, Q3CR5 इस गाइडलाइन का कोड है। और ये गाइडलाइन दी गई 17 जुलाई 1997 में, फिर से बोलूंगा ये गाइडलाइन दी गई 17 जुलाई 1997 में। और इस गाइडलाइन के अंदर जो हमारे सॉल्वेंट्स है, आप सॉल्वेंट वर्ड को अगर मैं बिल्कुल सिंपल करना चाहूं तो सॉल्वेंट का मतलब है जितने भी केमिकल्स हम यूज करते हैं, जितने भी केमिकल्स हम यूज करते हैं हमारे जितनी भी रिसर्च वर्क के अंदर या मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, वो सारे केमिकल्स को इस गाइडलाइन के अंदर डाला गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कार्सिनोजेनिसिटी। फिर से बोलूंगा कि इन केमिकल्स को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी का मतलब होता है कैंसर कोस करना, मतलब वो कंपाउंड जो कैंसर कोस करते हैं उसे बोला जाता है कार्सिनोजेंस, मतलब जिन कंपाउंड्स के कांटेक्ट में आने से हमको कैंसर हो सकता है उन कंपाउंड को क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेंस। तो इन केमिकल्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। फिर से बोलूंगा इन केमिकल्स को तीन क्लास या कैटेगरी कह सकते हैं, यहां पर क्लास बोला गया है, तो इन तीन क्लास के अंदर डिवाइड किया गया, Class 1, Class 2 और Class 3। तो सबसे पहले बात की जाए Class 1, तो क्लास वन के अंदर वो केमिकल्स आते हैं जो सबसे खतरनाक केमिकल होते हैं और उन केमिकल्स को जिनके कॉन्टेक्ट में आने से ही हमको कैंसर हो सकता है उन केमिकल्स को डाला गया क्लास वन के अंदर। और इसको नाम दिया गया केमिकल्स टू बी अवॉइडेड, मतलब वो केमिकल्स जिनको हमको अवॉइड करना है उनको डाला गया क्लास वन में, मतलब इन केमिकल्स के अगर हम जरा से भी कांटेक्ट में अगर हम आ जाएंगे तो हमको कैंसर कोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए क्लास वन के अंदर वो केमिकल्स हैं जिनको हमको अवॉइड करना है, मतलब उनके कॉन्टेक्ट में हम कोशिश करें जितना कम से कम आ सके या ना ही आए उतना ही अच्छा है। उसके बाद क्लास टू की अभी आगे मैं बात ये भी बात करूंगा कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, बट अभी मैं आपको क्लास के बारे में बता देता हूं। तो क्लास वन के अंदर सीधी सी बात है वो केमिकल्स आएंगे जिनको हमको अवॉइड करना है और जिनकी छोटी सी मात्रा के कॉन्टेक्ट में आने पर भी हमको कैंसर हो सकता है, तो वो आ गए क्लास वन के अंदर। क्लास टू के अंदर वो केमिकल्स आते हैं जिनमें हमको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही केमिकल के कॉन्टेक्ट में आना है, हम केमिकल के कॉन्टेक्ट में आ तो सकते हैं बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, वो कंसंट्रेशन इन्होंने पीपीएम के अंदर दी है, उस पर्टिकुलर पीपीएम कंसंट्रेशन के कॉन्टेक्ट में अगर हम आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस कंसंट्रेशन जो गाइडलाइन ने हमको कंसंट्रेशन प्रोवाइड कराई है अगर हम उससे ऊपर उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो हमारे कार्सिनो मतलब कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ हमको टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं या न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, या हम जो अगर कोई लेडीज उसके कॉन्टेक्ट में आ जाती है तो उनका टेराटोजेनिसिटी, मतलब उनकी जो
एम्ब्रियो है, अगर वो प्रेग्नेंट वुमन्स हैं तो उनके एम्ब्रियो में या उनको आने वाले जो बच्चे अगर वो ग्रोथ करेंगे या ना बच्चों को जन्म भी देंगी तो वहां पर भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ क्लास टू के जो केमिकल्स होते हैं, अगर मैंने जैसे बताया कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इस गाइडलाइन के अंदर दी हुई है, बट अगर आप ज्यादा कंसंट्रेशन के कॉन्टेक्ट में आओगे तो इसमें जो मतलब कह सकते हैं कि जो टॉक्सिसिटी आपको होगी वो रिवर्सिबल भी है, मतलब हो सकता है कि अभी ना हो बट कुछ सालों के बाद आपको उसका इफेक्ट दिखाई दे। तो क्लास टू के अंदर वो केमिकल्स डाले गए हैं जिसमें हमको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही उनके कांटेक्ट में आना है, अगर हम उस क्वांटिटी से ऊपर चले जाते हैं तो हमको कैंसर कोज होने के, टॉक्सिसिटी के, साथ ही साथ टेराटोजेनिक डिसीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास थ्री की। तो क्लास थ्री के अंदर वो केमिकल्स है जहां पर हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम इनके कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं और हमको ये बिल्कुल सेफ केमिकल्स होते हैं और यहाँ पर हमको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री। अब हम बात करते हैं कि क्लास वन, क्लास टू और क्लास थ्री के एग्जाम्पल्स कौन से हैं और कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो इनके कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। तो बात करते हैं हम क्लास वन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं हम क्लास वन की, जिस वो और क्लास वन के अंदर वो केमिकल्स आते हैं जिनको हमको अवॉइड करना है। बेसिकली क्लास वन के अंदर केमिकल्स कुछ कम है बट मैं उनके एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूं, साथ ही मैं यहां पर भी केमिकल्स के एग्जाम्पल लिख दूंगा तो यहां पर भी देख के आप उनके केमिकल्स के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन केमिकल्स ये गाइडलाइन क्यों जरूरी है आगे हम इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लास वन, वो केमिकल्स जो कि सबसे ज्यादा कार्सिनोजेन्स होते हैं जिनके कॉन्टेक्ट में आने पर हमको कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो बात करते हैं हम क्लास वन की। तो क्लास वन के जो एग्जाम्पल्स हैं और साथ ही साथ इस गाइडलाइन के अंदर केमिकल्स की जो क्वांटिटी है कि कितनी कंसंट्रेशन तक हमको उनके कॉन्टेक्ट में आना है वो भी दिया हुआ है और वो कंसंट्रेशन दी है पीपीएम में कि इतनी पीपीएम तक हम उसका यूज कर सकते हैं और अगर हम इससे ज्यादा उनके कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हमको किस टाइप की डिजीज हो सकती है, ये भी इस मतलब इसके अंदर दिया हुआ है, इस गाइडलाइन के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बात करते हैं हम क्लास वन के एग्जाम्पल्स की, तो क्लास वन का पहला एग्जाम्पल है बेंजीन, जिसकी कंसंट्रेशन है 2 ppm। मतलब अगर बेंजीन में हम 2 ppm से ज्यादा कंसंट्रेशन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर आपको कैंसर होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो बेंजीन की लिमिट दी गई है 2 ppm। फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसकी लिमिट दी गई है 4 ppm। मतलब अगर हम 4 ppm से ज्यादा कंसंट्रेशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वहां भी हमको कैंसर होने के चांसेस काफी हो जाते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक ऐसा केमिकल है जिसको हमको अवॉइड करना है या जिसके कॉन्टेक्ट में हमको कम से कम आना है। उसके बाद है 1,2-dichloroethane या एक और है 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane और 1,1-dichloroethane, जिसकी कंसंट्रेशन 1,2-dichloroethane की है 5 ppm जबकि 1,1-dichloroethane की है 8 ppm। तो 5 ppm और 8 ppm कंसंट्रेशन से अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन के कॉन्टेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमारे कैंसर होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो हमको यहां पर इसकी लिमिटेड कंसंट्रेशन के कॉन्टेक्ट में ही आना है या कोशिश करनी है कि हम इन केमिकल्स को या तो फिर अवॉइड करें, क्योंकि अगर हम इसके ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हमारे कैंसर होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्लास टू के बारे में और क्लास टू को मैं जैसे कि मैंने बताया था कि यहां पर आपको केमिकल्स के लिमिटेड कॉन्टेक्ट में आना है और साथ ही साथ यहां पर अगर आप उस क्वांटिटी से अगर आप ज्यादा इन केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये डिजीज ऐसा नहीं रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। तो बात करते हैं हम क्लास टू के अंदर के इसमें कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, साथ ही साथ यहां पर जो लिमिट है तो इसमें वो लिमिट भी मैं बताता जाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ साइड में भी मैं एक पूरी आपको लिस्ट दे दूंगा कि यहाँ पर जो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री के जो केमिकल्स हैं उनकी कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिस्ट भी शो कर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं क्लास टू के बारे में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एसीटोनाइट्राइल। यहाँ पर जो अगर आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं क्लास टू की, तो यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, एक है पीडीई और एक है पीपीएम। तो ppm का मैं आपको समझा चुका हूं कि ppm के अंदर एक कंसंट्रेशन लिमिट दी गई है जिसमें जिस कंसंट्रेशन लिमिट तक का ही आप उसका यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन का लिमिट का यूज आप नहीं कर सकते हैं। और एक लिमिट दी गई है जिसे बोला गया है पीडीई।
पीडीई को का मतलब होता है परमिटेड डेली एक्सपोजर, परमिटेड डेली एक्सपोजर। फिर से बोलूंगा, पीडीई का फुल फॉर्म होता है परमिटेड डेली एक्सपोजर, और ये एमजी पर डे में दिया गया है, मतलब इतने एमजी आप एक दिन में इसके कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। तो परमिटेड डेली एक्सपोजर भी दिया गया है, साथ ही पीपीएम भी दिया गया है क्लास टू के अंदर। तो क्लास टू के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और इनकी पीडीई और पीपीएम आप साइड में देख सकते हैं कि क्या क्या लिमिट है इसकी। एक है परमिटेड डेली एक्सपोजर, मतलब इतनी मात्रा का आप एक दिन के अंदर यूज कर सकते हैं, और कितनी कंसंट्रेशन के आप कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं वो पीपीएम में दिया हुआ है। तो मैं बात करता हूं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं एसिटोनाइट्राइल, क्लोरोबेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल। साइक्लोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, एसिटोनाइट्राइल और क्लोरोबेंजीन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लास टू के। वैसे क्लास टू एक बहुत लंबी कैटेगरी है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा केमिकल आते हैं, क्लास वन के अंदर थोड़े कम है, क्लास टू के अंदर थोड़े उससे ज्यादा है, और क्लास थ्री के अंदर सबसे ज्यादा है। तो क्लास टू की जो पूरी लिस्ट है वो मैं साइड में लगा दूंगा, तो उसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि क्लास टू के अंदर किस टाइप्स के केमिकल्स आते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लास टू के बाद अब हम जाएंगे क्लास थ्री के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास थ्री के अंदर वो केमिकल्स आते हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि क्लास थ्री में केमिकल्स का मतलब ये नहीं है कि आप सारे केमिकल्स को ऐसे ही यूज करें और उसमें आपको कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर भी टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ कार्सिनोजेनिसिटी के भी चांसेस होते हैं। अगर आप यहाँ भी एक लिमिट से ज्यादा इनके कॉन्टेक्ट में अगर आप रहोगे तो यहां पर भी आपको कार्सिनोजेनिसिटी, कैंसर के या टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो क्लास थ्री का मतलब ये नहीं है कि ये सारे केमिकल काफी सेफ हैं और आप बिल्कुल ही इसके कांटेक्ट में आना स्टार्ट कर दें, पूरे दिन आप इसके कांटेक्ट में रहें और आपको कैंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां भी एक लिमिट डिसाइड की गई है, एक लिमिट दी गई है, और अगर आप इस लिमिट के ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो आपको कैंसर होने के चांस काफी बढ़ सकते हैं। तो मैं बात करूंगा क्लास थ्री की। तो क्लास थ्री के अंदर जो है, तो सीधी सी बात है वही केमिकल्स है जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, जैसे एसीटोन, इथेनॉल, एनहेक्सेन, इथाइल एसीटेट, इथाइल इथर और एसिटिक एसिड। फिर से बोलूंगा, एसिटिक एसिड, इथाइल इथर, इथेनॉल, एसीटोन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और सीधी सी बात है, इसीलिए ये जो केमिकल्स हैं, जो क्लास थ्री के केमिकल्स हैं, अगर आप लैब के अंदर कोई प्रैक्टिकल भी अगर आप परफॉर्म करेंगे तो सबसे ज्यादा यही केमिकल्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, और वॉशिंग के अंदर भी ये यूज किए जाते हैं। और अगर आप अधिकतर प्रोसीजर्स अगर आप पढ़ेंगे तो कोशिश यही की जाती है कि यही इन्हीं केमिकल्स का यूज किया जाए। और इन केमिकल्स का यूज भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये क्लास थ्री के केमिकल्स हैं और इससे हमको मतलब कैंसर होने के चांसेस काफी कम होते हैं। साथ में मैं इसकी लिमिट भी साइड में लगा दूंगा, तो वो लिमिट आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लिमिट तक ही आपको इसका यूज करना है। जैसे कि मैंने अभी बात करी कि जो रेसिडुअल सॉल्वेंट्स हैं उनको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, और इन तीन कैटेगरी के जो डिवाइड किया गया है वो करा गया है इनके कार्सिनोजेनिसिटी के बेसिस पे। बट अभी भी कुछ ऐसे केमिकल्स रह जाते हैं जो कि इन तीनों कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाते हैं। रीजन उसका यह है कि इनकी टॉक्सिकोलॉजी जो होती है, बेसिकली इनकी कार्सिनोजेनिसिटी और टॉक्सिकोलॉजिकली जो है वो पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं हो पाई है, मतलब वो घटती बढ़ती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। इसीलिए इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन अभी तक बिल्कुल भी डिसाइड नहीं की गई है कि आपको कितनी मात्रा में इन केमिकल्स को यूज करना है और उनकी क्या लिमिट है। इस वजह से इनको कैटेगरी से बाहर रखा गया है। तो उन केमिकल्स के नाम भी मैं साइड में लिख दूंगा, तो उन केमिकल्स को लिस्ट को आप देख के समझ सकते हैं कि ये कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो ना कैटेगरी वन में आए हैं, ना टू में आए हैं, ना थ्री में आए हैं, ये बिल्कुल कैटेगरी से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी और इनकी कार्सिनोजेनिसिटी अभी तक डिफाइंड नहीं हो पाई है क्योंकि ये कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं। तो उन केमिकल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, मैं थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ, बाकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं आइसो ऑक्टेन, आइसो प्रोपाइल इथर, पेट्रोलियम इथर, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, 11 डाई इथोक्सी प्रोपेन, 11 डाई इथोक्सी प्रोपेन। ये वो लिस्ट है जो कि ये वो केमिकल्स है जो ना क्लास वन में आ रहे हैं, ना क्लास टू में आ रहे हैं, ना क्लास थ्री में आ रहे हैं। ये केमिकल्स क्योंकि सीधी से मैंने आपको जैसे बताया कि ना इनकी टॉक्सिकोलॉजिकल
कंडीशन पता है, ना इनकी कार्सिनोजेनिसिटी क्लियर हो पाई है, इसीलिए ये केमिकल्स ना क्लास वन में आ पाए, ना क्लास टू में आ पाए, ना क्लास थ्री में आ पाए। इसीलिए मैं एक चीज आपको और डिफाइन करूंगा कि इस कैटेगरी, मतलब जो मैंने ये एक ऐसी कैटेगरी बताई है, इस कैटेगरी के केमिकल्स का भी आप कोशिश करें कि बिल्कुल लिमिटेड यूज करें, ज्यादा इनके कॉन्टेक्ट में ना आए। अब हम कुछ अलग ये बात करेंगे कि इस जो ये मैंने पूरा डिस्कशन किया रेसिडुअल सॉल्वेंट्स के बारे में और इनकी कैटेगरीज के बारे में, इसकी क्लास के बारे में, ये हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरमेंट के लिए क्यों यूज है, और इस इन ये जो केमिकल्स हैं और इनकी जो कैटेगरीज हैं और साथ ही साथ इनकी कार्सिनोजेनिसिटी और इनकी जो टॉक्सिकोलॉजिकल जो कंसंट्रेशन है उसका नॉलेज हमको क्यों होना चाहिए और ये हमारे लिए क्यों हेल्पफुल हो सकता है, साथ ही साथ ये आपके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, साथ ही साथ आपका ये नॉलेज आपको बहुत आगे तक भी पहुंचा सकता है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये आपको एक दूसरे जो आपके, अगर आप जब भी कभी इंडस्ट्री में जाएंगे या कभी आप कहीं भी ऐसी जॉब में जा रहे हैं जहां पर आपको केमिकल्स का यूज करना है, तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए तो हो ही सकता है, साथ ही साथ आप अपने नॉलेज से अपने सीनियर्स को भी इंप्रेस कर सकते हैं और आप इसमें आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही तेज होगी, क्योंकि ये नॉलेज बहुत हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेसिडुअल सॉल्वेंट की कैटेगरी है ये हमारे फार्मा के सिलेबस से अब निकल चुकी है, पहले ये 8 सेम के अंदर हुआ करती थी, जो 8 सेमेस्टर हम लोग फॉलो करते थे PY803 जो कि RGPP का सिलेबस था भोपाल का, वहां पर ये टॉपिक हुआ करता था, बट अभी जो सिलेबस आया है PCI का, उस सिलेबस के अंदर ये रेसिडुअल सॉल्वेंट की जो कैटेगरी है इसको हटा दिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये नॉलेज उन्हीं बच्चों के पास होगा जो एक एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हैं और जो अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि जो बहुत अलग नॉलेज गेन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं सीधी सी बात है, मैं अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट लेके हम बात करेंगे कि ये नॉलेज आपको कहां पर हेल्प कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई PhD वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।